नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। सनी देओल की गदर 2 को रिलीज होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं। दर्शक इस फिल्म का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 साल बाद सनी देओल गदर का सीक्वल लेकर आ रहे हैं। ऐसे में फिल्म को लेकर दर्शकों में एक गजब का क्रेज बना हुआ है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग भी कमाल की हो रही है। रिलीज से कई दिन पहले ही गदर 2 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई थी, जिसको लेकर आए दिन कोई ना कोई बड़ी खबर सामने आ रही है। वहीं इस बीच फिल्म को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में बॉलीवुड के जाने माने ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने गदर 2 की बुकिंग को लेकर एक रिपोर्ट शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 के अब तक 1,37,894 टिकट बिक चुके हैं। फिल्म के खाली नेशनल ट्रेन में 1,05,300 टिकट बिक गए हैं। इस नई रिपोर्ट को देखने के बाद लग रहा है कि गदर 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई करने वाली है। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर 2 की टक्कर अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 से होने वाली है, लेकिन उसके बाद भी गदर 2 को लेकर लोगों में गजब का क्रेज देखा जा रहा है। अक्षय के साथ क्लैश से सनी देओल को कोई नुकसान होता नहीं दिख रहा है। जिस तरह से गदर 2 की टिकट सेल हो रही हैं, उसने बॉलीवुड के भी होश उड़ा दिए हैं। आपको बता दें, वैसे तो दोनों ही फिल्मों के ट्रेलर शानदार थे, जिसके बाद लोगों की फिल्म को लेकर काफी उम्मीदें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि एडवांस बुकिंग के जरिए ही सनी देओल की गदर 2 ने 5.30 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है। आपको बता दें कि गदर 2 को अनिल शर्मा ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने फिल्म का पहला पार्ट भी बनाया था। 22 साल पहले वाली गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। फिल्म ने धुआंधार कमाई कर सभी को चौंका दिया था। अब सनी देओल गदर 2 लेकर आ रहे हैं। गदर 2 को पहले पार्ट के मुकाबले काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है। 100 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में इमोशंस के साथ साथ धुआंधार एक्शन भी देखने को मिलेगा। फिल्म का ट्रेलर पहले ही लोगों का दिल जीत चुका है, जिसने लोगों के बीच हाइप क्रिएट कर दी है। ये फिल्म को लेकर लोगों की दीवानगी ही है, जो एडवांस बुकिंग कितनी कमाल की हुई है। फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल तारा सिंह और सकीना के रोल में दिखाई देंगे। वहीं फिल्म में उत्कर्ष शर्मा भी नजर आएंगे, जो कि सनी और अमीषा पटेल के बेटे का रोल निभा रहे हैं। इस बार सनी यानी तारा सिंह अपने बेटे जीते को वापस लाने के लिए पाकिस्तान जाएंगे। फिल्म को लेकर जो क्रेज देखने को मिल रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि ये फिल्म पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 30-35 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि 11 अगस्त को गदर 2 क्या धमाल मचाती है। वैसे आप गदर 2 देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।